Electronic Mail Objectives. इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये कैसे बनाई जाती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है. Introduction. इंटरनेट के जरिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखने और उनमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को ढूंढने के अलावा एक और बहुत कारामद फीचर ईमेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. कदीम वक्तों में और आज भी लोग एक दूसरे से राब्ता रखने के लिए कागज़ पर लिखे खतूत का सहारा लेते हैं. इस तरीके से खतूत एक लेटर बॉक्स से कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाए जाते हैं और वहां से दिए गए एड्रेस तक डिलीवर किए जाते हैं. लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें एक आम से खत को पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं. इस मसले को हल करने के लिए, यानी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा तेजी से पहुंचाने के लिए नित नए तरीके सोचे गए, मसलन फैक्स, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, ईमेल वगैरह. इनमें आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आसान, सस्ता और तेज तरीन तरीका ईमेल है. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ्फ है. ईमेल से हम घर बैठे इंटरनेट के जरिए कोई पिक्चर, मैसेज या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं. ईमेल असल में आम खत की तरह है, मगर फर्क ये है कि ये कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर पर लिखी जाती है और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मुंतकिल की जाती है. ईमेल अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीग्स को मैसेजेस भेजने का आसान, तेज और बहुत इकोनॉमिकल तरीका है. ईमेल को भेजने या वसूल करने के लिए आपको अलहदा से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ती. इसमें आपको सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने की फीस देनी पड़ती है. ईमेल का एक और फायदा ये है कि आप मैसेज को जब चाहें भेज सकते हैं. इसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है. यानी इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस कंप्यूटर को आप मेल भेज रहे हैं वो ऑन हो. अगर दूसरा कंप्यूटर ऑफ भी है तो भी आपका मैसेज दूसरे कंप्यूटर के मेल बॉक्स में सेव हो जाएगा. ईमेल सर्वर. ईमेल को तफसील से सीखने और इसमें काम शुरू करने से पहले हम ईमेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं. जब हम कोई ईमेल मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं तो उस वक्त ईमेल क्लाइंट SMTP और POP3 सर्वर को इस्तेमाल करते हैं. आइए इन्हें डिफाइन करते हैं. ईमेल क्लाइंट्स वो प्रोग्राम हैं जो ईमेल मैसेजेस को लिखने, भेजने और रिसीव करने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. कुछ मशहूर ईमेल क्लाइंट्स में जीमेल, कम्युनिकेटर, हॉटमेल, याहू वगैरह शामिल हैं. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुखफ्फ है. ये ईमेल मैसेजेस को इंटरनेट के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का प्रोटोकॉल है. POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मुखफ्फ है. SMTP के जरिए जो मैसेज भेजे जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए POP3 सर्वर इस्तेमाल होता है. ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम. POP3 सर्वर के जरिए नए ईमेल मैसेजेस को रिसीव और डाउनलोड करता है. अब हम देखते हैं कि जब ईमेल मैसेजेस भेजे जाते हैं तो किन स्टेप्स से गुजरते हैं. जब हम कोई ईमेल भेजना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम ईमेल क्लाइंट इस्तेमाल करके ईमेल मैसेज लिखते हैं और इसे सेंड करते हैं. ईमेल क्लाइंट इस मैसेज को SMTP सर्वर पर भेजता है और अगर रिसीवर लोकल है तो वो ईमेल मैसेज POP3 सर्वर को भेजा जाता है. रिसीवर कंप्यूटर जब चाहे POP3 सर्वर से ईमेल मैसेज को रिसीव कर लेता है. अगर रिसीवर कंप्यूटर लोकल नहीं है तो SMTP सर्वर आपके ईमेल मैसेज को रिसीवर के SMTP सर्वर पर ट्रांसफर करता है. फिर रिसीवर के SMTP सर्वर से ये मेल POP3 सर्वर को ट्रांसफर की जाती है, जहां से रिसीवर कंप्यूटर इस ईमेल मैसेज को रिसीव कर लेता है. ईमेल एड्रेस. इस सेक्शन में हम ईमेल एड्रेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं. हम ईमेल एड्रेस को एक मिसाल के तौर पर समझते हैं.
जब हम किसी को खत लिखते हैं तो खत के लिफाफे पर उस शख्स का पता लिखा जाता है जिसको खत भेजना होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक ईमेल मैसेज लिखते हैं तो उसको लिखने के बाद ये भी बताना होता है कि इस मैसेज को किस एड्रेस पर भेजना है। इस एड्रेस को ईमेल एड्रेस कहते हैं। मसलन ये एक ईमेल एड्रेस है। आइए अब इस ईमेल एड्रेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस के दो हिस्से होते हैं। इन दोनों हिस्सों को एट द रेट ऑफ के सिंबल से अलहदा किया जाता है। पहले हिस्से में यूजर नेम होता है। ये वो नाम होता है जिससे इस शख्स का ईमेल सॉफ्टवेयर में अकाउंट होता है। मसलन इस मिसाल में यूजर का इस नेम से अकाउंट है। ये नाम आपका अपना दिया हुआ होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी यूजर नेम दे सकते हैं। दूसरे हिस्से में उस वेबसाइट का यूआरएल दिया जाता है जिसमें यूजर का ईमेल अकाउंट होता है, जैसे yahoo.com और vu.edu.pk वगैरह। मसलन इन ईमेल एड्रेसेस में ये यूजर नेम है और ये वेबसाइट्स के यूआरएल हैं जहां इन यूजर्स के अकाउंट हैं। क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट। जब भी हम किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा इसमें अकाउंट हो, यानी हमारे पास एक नाम और खुफिया कोड होना चाहिए जिसकी मदद से हम ईमेल मैसेजेस को सेंड, रिसीव और रीड वगैरह कर सकें। आइए इस सेक्शन में हम बहुत इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट याहू में ईमेल अकाउंट बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम ब्राउजर के एड्रेस बार में mail.yahoo.com को टाइप करते हैं। चूंकि हम पहली दफा अपना ईमेल बना रहे हैं इसलिए अब हमें जो स्क्रीन नजर आ रही है इसमें क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पहले बॉक्स में जहाँ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है हमने अपने नाम का पहला हिस्सा टाइप करना है, जैसे हम यहाँ ये नाम टाइप कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे बॉक्स में लास्ट नेम लिखा हुआ है जिसका मतलब है हमें अपने नाम का दूसरा हिस्सा लिखना है। हम यहाँ ये नाम टाइप कर देते हैं। अब इससे आगे वाले बॉक्स में हमें याहू का यूजर नेम देना है। इसका मतलब है जिस नाम से हम अपना ईमेल बनाना चाहते हैं हम यहाँ पर वो नाम लिखेंगे, जैसा कि हम ये नाम टाइप कर रहे हैं। अब हमने पासवर्ड में वो खुफिया कोड बताना है जिसकी मदद से हम ईमेल अकाउंट को दोबारा एक्सेस कर सकें। जो पासवर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं उसे अपनी याद दहानी के लिए कहीं नोट कर लेना चाहिए, वरना अगर भूल गए तो ईमेल को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इस बॉक्स में वो हमें अपना मोबाइल नंबर बताना है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके मोबाइल नंबर के जरिए जरूरी मालूमात मसलन कोड वगैरह दी जा सकें। यहाँ से इस एरो पर हम क्लिक करके अपने मुल्क यानी पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह कंट्री कोड लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। हम यहाँ एक फर्जी नंबर टाइप करते हैं। अगली मालूमात तारीख पैदाइश की हैं। हम यहाँ से पैदाइश का महीना, दिन और साल मुंतखब करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद जेंडर के हवाले से बॉक्स दिया गया है। यहाँ से हम फिलहाल मेल को चेक करते हैं। इसके अलावा हम इसमें मजीद इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, मसलन ऑप्शनल रिकवरी नंबर और रिलेशनशिप वगैरह। आखिर में हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं जिसका मतलब है कि हमारी ये तमाम इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएं। इस तरह हमारा ईमेल याहू की वेबसाइट पर बन गया है। अब जब भी हम याहू मेल पर ईमेल्स वगैरह को चेक करेंगे तो इसके लिए पहले mail.yahoo.com की वेबसाइट को ओपन करेंगे। हमारे सामने फिर वही शुरू वाली स्क्रीन आ गई है। इस दफा हम इन बॉक्सेस में याहू यूजर नेम और पासवर्ड बताकर ईमेल मैसेजेस को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। आप इस तरह किसी भी ईमेल प्रोग्राम में अपना ईमेल अकाउंट बनाकर इसकी मुख्तलिफ सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेल बॉक्स।
इस सेक्शन में हम ईमेल सॉफ्टवेयर में आने वाली मेल्स को ओपन करने का तरीका सीखते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हमें कोई लेटर मौसूल होता है तो पहले हम इसे खोलते हैं, फिर उस लेटर को निकालते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमें किसी ईमेल प्रोग्राम में कोई ईमेल मौसूल होती है तो उसको भी पढ़ने का एक खास तरीका है। आइए इसे सीखते हैं। मसलन आपके सामने इस वक्त याहू का ईमेल वाला पेज ओपन है। हम इसमें ईमेल मैसेजेस को पढ़ने के लिए इनबॉक्स में मौजूद इस मैसेज पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, हमारे सामने ये पेज खुल गया है जिसमें हम इस मैसेज को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज को पढ़ने के लिए हम इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं और इसके बाद किसी भी मैसेज पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जब हम याहू में इनबॉक्स के किसी मैसेज को देखते हैं तो इसमें हमें ये सेक्शन नजर आते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर सब्जेक्ट के सेक्शन में इस मैसेज की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। इसके बाद इस हिस्से में इस शख्स का नाम होता है जिसने मैसेज भेजा होता है। हम इस नाम पर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो उस शख्स का ईमेल एड्रेस जाहिर हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नीचे टू के आगे हमें इस मैसेज के रिसिपिएंट के ईमेल एड्रेस नजर आते हैं जिनको ये ईमेल भेजी गई होती है। टू की नीचे वाली विंडो में हमें इस मैसेज के कंटेंट्स नजर आते हैं। इस मैसेज को पढ़कर हम भेजी गई मेल का मकसद जान सकते हैं। मैसेजेस पढ़ लेने के बाद हमें अपने अकाउंट से साइन आउट भी करना होता है ताकि आपकी गैर मौजूदगी में कोई और आपके मैसेजेस ना पढ़ ले। इसके लिए हम ऊपर यहाँ इस नाम पर अपना माउस पॉइंटर लेकर आते हैं। अब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई है इसमें से साइन आउट पर क्लिक करते हैं। ये देखें, हमारा मेलबॉक्स बंद हो गया है। समरी। इस लेसन में हमने पढ़ा कि ईमेल सर्वर कितने किस्म के हैं और वो क्या काम करते हैं। हमने सीखा कि ईमेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है और मेलबॉक्स में मैसेजेस को देखने का तरीका भी सीखा।